हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा यस टू यस ट्रेनिंग सेशन चलता है, इसमें अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है 8009316399। इस नंबर को आप व्हाट्सएप पे लिखिए, सर एस टू एस के बारे में बताइए, आपको जानकारी मिलेगी। और ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, ट्रेनिंग सेशन है, सस्पेक्ट से सेल्स तक। इसके बारे में आइए, मैं मॉर्निंग में फ्री में मीटिंग करता हूँ, योगा कराता हूँ, व्यायाम कराता हूँ, और साथ ही साथ इंश्योरेंस संबंधित कुछ स्टाफ होते हैं, आपको मोटिवेशन दिए जाते हैं। मॉर्निंग की मीटिंग को आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसी नंबर पे 8009316399 पे व्हाट्सएप करिए कि मॉर्निंग मीटिंग का लिंक हमें भी दीजिए, हमें भी ग्रुप में जोड़िए। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है ग्रुप का, तो उस लिंक में आप जुड़ भी जाइए, और जुड़ जाएंगे तो आपको निश्चित तौर से उसका फायदा होगा। अगर आप इंश्योरेंस एजेंसी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर बिजनेस करना पड़ेगा, रोज फील्ड में जाना पड़ेगा, रोज प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा, रोज फॉलोअप करना पड़ेगा, रोज प्रोस्पेक्ट जुटाना पड़ेगा, रोज क्लोजिंग करनी पड़ेगी, और रोज आपको सर्विसिंग भी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें रोज करनी पड़ेगी, रेगुलर वे में करना पड़ेगा। अगर रेगुलर वे में नहीं करते हैं तो जानिए कि आपका काम रुकेगा, आपके काम में बाधा आएगी, आपके काम डिस्टर्ब होंगे, और आप उतना नहीं कर पाइएगा जितना आप सोच रहे हैं। तो एक LIC एजेंट को क्या क्या करना होता है, नए मित्र बनाना होता है, प्लान की जानकारी रखनी होती है, प्लान को प्रेजेंट करने की कला आना होना चाहिए, और प्लान को प्रेजेंट करने के बाद जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसे हल करने की कला आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको क्लोजिंग करने की कला आना चाहिए। अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं तो आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा, फॉलो अप में कब जाना है, कब मिलना है, कब बात करनी है, क्या करना है, कौन सा प्लान चेंज करके जाना है, कौन सा ब्रोशर छाप के जाना है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको क्लोजिंग करना होगा, क्लोजिंग करने के बाद सर्विसिंग देना होगा, सर्विसिंग के बाद फिर पुराने कस्टमर से आपको नया बीमा हर साल निकालना पड़ेगा, हर 2 साल के 3 साल के 1 साल के अंतराल पे निकालना पड़ेगा, और इतना करने के बाद आपको रेगुलर काम करने की आदत करनी पड़ेगी। अगर इतना करते हैं तो यही बेसिक्स है इंश्योरेंस एजेंसी का, इतना अगर आप जानकारी ले देते हैं और इतना कंटिन्यूअस करते हैं तो नो डाउट आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साल में आप 100 पॉलिसी, 200 पॉलिसी, 300 पॉलिसी, 500 पॉलिसी, नहीं कुछ तो कम से कम 100 पॉलिसी तो कर ही पाएंगे। तो इतना करने की कोशिश करिए, संभव होगा तो आगे भी हम और भी नॉलेज देते रहेंगे, और भी हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अपने साथी में शेयर भी कर दीजिएगा, हमें ब्लेसिंग दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट करते रहिए, लोगों में इस वीडियो को शेयर करके अच्छी अच्छी जानकारी देते रहिए, भेजते रहिए, वो भी सीखते रहे, और आपका नाम और हमारा नाम ऊंचाई पे पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।